अच्छे से मारूंगा कि हाथ में चोट लगे, कि मेरे हाथ में चोट नहीं लगी और मेरे दांत खराब हो गए और यहाँ पे सुई लग गई और यहाँ पे मैंने पत्ती जो तो चिपका। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी आज ठीक हैं। अगम भी ठीक है, आज सुबह थोड़ा बुखार था पर अभी ठीक है। तो स्कूल तो गया नहीं आज, तो अभी खेल रहा है। अगम ठीक है तू? अब बुखार ठीक है तेरा? स्कूल जाएगा परसों को? नहीं। क्यों? तेरी मैडम आई थी अभी, क्या बोली थी मैडम? अभी मेरे को मैडम मैं रोने लग गया। मैडम आई, हाँ इसकी मैडम घर पूछने आई कि अगम कैसा है अभी, इसकी इसको देखने आई तो अगम रोने लग गया, बोलता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसकी मैडम बोलती है अगम के पेपर रह गए, इसने एक पेपर दिया, दो पेपर इसके और हैं तो ये स्कूल नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि मैडम इसको बहुत बुखार था इसलिए हमने इसको स्कूल नहीं भेजा, तो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं। फिर अगम से बोलती है मंडे को आप आओगे? अगम बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, गंदा बच्चा है ये। है अगम तू गंदा बच्चा है? अगम गंदा बच्चा है कि अच्छा बच्चा है? दसो पहले ये अगम के बंदे हैं, ये अगम ने घर बना दिया है और अगम की गाड़ियां कैसे पलटी पड़ी हैं, बस यही काम है इसका। और आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, बनाएंगे आज हम, क्योंकि हमने कहीं से दूसरे शहर से हमने सब्जी मंगाई है, जहाँ से हमने सफ़ेद वाली मूलियाँ जो कि 250 रुपए की तीन मूलियाँ आई हैं, और एक कटहल भी मंगाया जैक फ्रूट, वो भी हमने मंगाया है, और बाकी पम्पकिन मंगाया वहाँ से, कोरिएंडर लीव्स मंगाई, मिंट मंगाई और आलू और बीट रूट यानी कि चुकंदर और क्या सब्जी मंगाई थी, और कॉलीफ्लावर एक, इतनी चीज़ें हमने मंगाई। तो हमारी ये सब्जी काफ़ी महंगी है क्योंकि यहाँ पे करेंसी क्राइसिस चल रहा है, तो सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, और जहाँ पे हमें वहाँ पे तो कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे 150 रुपये के तीन आलू मिलते हैं, वो भी पता नहीं होता कि अच्छे निकलेंगे या ख़राब निकलेंगे, क्योंकि वो पैकेट में आते हैं, तो बहुत महंगी चीज़ें हैं। अफ्रीका में पहले भी इतनी महंगी थी पर अभी कुछ टाइम से करेंसी क्राइसिस चल रहा है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो आटा हमें पहले 5 किलो का कम में मिलता था, मतलब घाना की करेंसी 39 सीडी में मिलता था, अब वो हमें मिल रहा है 140 सीडी में, तो इतना ज़्यादा क्राइसिस हो गया है यहाँ पे, महंगाई हो गई है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। मतलब अफ्रीका में अभी रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, फैमिली वालों के लिए खासकर। अगर आप सिंगल हो और नॉन वेज हो तो आप कुछ भी खा सकते हो, अगर आप वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे सरवाइव करना, क्योंकि नॉनवेज वालों के लिए यहाँ पे, सॉरी नॉनवेज वालों के लिए तो यहाँ पे सब कुछ है, आप चिकन खा सकते हो, फिश खा सकते हो, मटन, सब कुछ, लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हाँ बड़े बड़े शहरों में है, जैसे मेन अक्रा घाना है वहाँ पर है, कुमासी है वहाँ पर, टिचिमन में भी है इंडियन, हाँ है, और बाकी वहाँ में कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। जहाँ पे अभी हम अपर वेस्ट में हैं वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, और जहाँ हम जाने वाले हैं सांपा में, आपको मैंने बताया था पहले मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, सांपा जहाँ से हम काजू का काम करते हैं, वहाँ पे तो कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब वेज तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। यहाँ तो ठीक है कि आपको फ्राइड राइस मिल जाएंगे और वेजिटेरियन राइस मिल जाएंगे, लेकिन स्प्रिंग रोल भी मिल जाते हैं यहाँ पे, उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग और सब्जियाँ तो डालते हैं, कैबेज और कैरेट ही डालते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे डाल के बना देते हैं। पर सांपा में तो बहुत मुश्किल होता है रहना, लेकिन ठीक है कि हम लोग को आदत हो गई है तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो उनके लोकल फूड्स भी हम खा लेते हैं। बाकी जो नए नए वेजिटेरियन आएंगे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अभी हमने अगम को भी आदत डाल दी कि ये भी खा लेता है जो हम लोग खाते हैं, ये कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करता कि मुझे ये खाना है ये नहीं खाना, जो यूजली हम लोग खाते हैं
जो वेजिटेबल, जो राइस हम खाते हैं, जो दाल हम खाएंगे, तो वही अगम भी खा लेता है। तो ये इसकी एक गुड हैबिट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और सारे इसकी बहुत तारीफ करते हैं अगम की, कि अगम मतलब इस टाइप का है कि ये सब कुछ खा लेता है। ये कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करता कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये चाहिए, पर जिद करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए सिर्फ खिलौनों के लिए। ओ वेट वेट वेट, निकल गया। खिलौनों के लिए डिमांड करता है कि मुझे ये खिलौने चाहिए, ये चाहिए। तो बंदूक देखो, मेरी बंदूक देखो, अगम की बंदूक। तो ये बात है, बाकी आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग्स, देखो ब्लॉग्स में दिखाते हैं आपको सारा दिन हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम है, तो मैंने स्टार्टिंग सुबह से कर दी है। तो अभी मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। अभी वो राहिमा जो हमारी हाउसमेट है, वो अभी उसको ग्राइंड कर रही है, तो ग्रेट करके जैसी वो फिनिश होगी फिर मैं बताओ कि दिखाते हैं कि हम गाजर का हलवा बनाएंगे। अगर हम आज क्या बनाएंगे, हम गाजर का हम हलवा बनाएंगे, फिर हम खाएंगे, हम खाएंगे। चलो बनाएंगे गाजर का हलवा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बने रहेगा हमारे ब्लॉग सेखो ब्लॉग्स में। अगर मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, मैं हूँ कहे भी चला मम्मी चलो सही पर अखा बंद करके चलो। अच्छा चलो भैया, कहाँ कहाँ अखा बंद करूँ कि खोलूँ? चलो या स्मॉल चलो। अच्छा ये पानी पीता तू, आगे कितना ही रुक रुक इतना सारा पानी गिरा के बोलता है मैं सारा पानी पी गया हूँ, इतना है ना चला खोपड़ी इसकी बहुत तलाक है, बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे निशी लगी सुई कहाँ पे लगी फिर? यहाँ पे तू रोया भी सही? नहीं नहीं रोया ना, अगम तो स्ट्रॉन्ग है, अगम तो स्ट्रॉन्ग बॉय है, है ना? मम्मी अभी लाता फिर नहीं आया, पानी बढ़िया और मेरे बाग या किधर अगम क्या पिया? कुछ नाश्ता हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल सेखो ब्लॉग्स। तो हम आ गए थे घर, और अगम भी अभी ठीक है, उसको इंजेक्शन लगे थे, मतलब उन्होंने हाथ पे थोड़ा वो जैसे ड्रिप चलाते हैं वैसे लगाया था, और उसी के अंदर उसने उन्होंने तीन बार उसको दो तीन डोज दी थी, दो टेस्ट से पहले।
और एक टेस्ट के बाद। तो उसके टेस्ट में मलेरिया नेगेटिव था, बाकी यूरिन टेस्ट भी नेगेटिव था, सब कुछ ठीक था। बाकी उसके सिर्फ एक वाइट सेल्स जो होते हैं वो थोड़े से हाई हैं, वो 11 पॉइंट समथिंग है। तो वो डॉक्टर बोलता है कि इसको शायद इन्फेक्शन हो सकता है कहीं पे, क्योंकि वाइट सेल्स जब बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि इन्फेक्शन होता है कहीं पे। तो इन्फेक्शन बोल रहा था वो डॉक्टर, तो उसने दवाई दी है, बोलता कि मैं दवाई देता हूँ, अगर होगा, अगर इसको रात को फिर बुखार आता है तो आप इसको कल को फिर लेके आ सकते हैं हॉस्पिटल, तो दिखा लेना। मतलब ठीक हॉस्पिटल था, अच्छा हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट अच्छा किया उन्होंने। और बाकी वैसे तो घाना में है नहीं इतना अच्छा ट्रीटमेंट, तो लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट किया, उसको देखा और दवाई दी, टेस्ट किए। बाकी अभी तो नॉर्मल है, अभी तो उसको फीवर नहीं आ रहा है, हल्का सा है इसको फीवर थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या होता है। अगर रात को बुखार आएगा तो हम इसको कल सुबह फिर लेके चेंज कर, नहीं आएगा तो फिर हम इसको दवाई कंटिन्यू करेंगे। तो करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक्स फॉर अगम बोल रहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।